गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आपका भाई रवि। आज सबसे पहले उन 57 लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। और गाइज अभी बच्चे 12th क्लियर कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों का होता है कि होटल मैनेजमेंट करें, तो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज होता है कि डिग्री करें या डिप्लोमा। तो गाइज आज ये वीडियो आपका कन्फ्यूजन दूर कर देगी। डिग्री और डिप्लोमा दोनों के बारे में मैं बताऊँगा। तो पहले शुरू करते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा गाइज सबसे पहले डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जॉब पे चले जाते हैं। तो हम फर्स्ट एजुकेशन कि क्या योग्यता चाहिए होती है डिप्लोमा के लिए। तो आप 10th के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं और इंटर के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिप्लोमा 12th के बाद ही करें, और अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करेंगे तो साइड बाय साइड कोई ग्रेजुएशन कोर्स बीए कुछ भी कर सकते हैं। और आप 10th के बाद अगर डिप्लोमा करेंगे तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। जब तक आपकी एज 18+ नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी होटल आपको नौकरी नहीं देगा। तो आप 12th के बाद ही डिप्लोमा करें, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कितना टाइम लगता है। टाइम मैंने जैसे आपको बता दिया गाइस 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं 1 साल में कंप्लीट कराते हैं, 6 महीने आपको पढ़ाते हैं और 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा के आपको जॉब के लिए भेज देते हैं। और बहुत सारे कॉलेज है कि कहते हैं 1 साल हम आपको कॉलेज पढ़ाएंगे और 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा देते हैं, तो वो 1.5 साल का हो जाता है। तो और तीसरा पॉइंट कि पैसा कितना लगता है। गाइस डिप्लोमा करने के लिए आपको 30 से लेकर 50 हज़ार तक की फीस होती है 1 साल की, जिसमें आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। और आपको पढ़ना क्या होता है चौथा पॉइंट। तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जैसे कि होटल में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज, फूड प्रोडक्शन एंड हाउसकीपिंग। तो आपको इन चारों डिपार्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट है आप सिर्फ उसी के बारे में डिप्लोमा पढ़ते हैं और उसी में आपको पास होना होता है। और ये रहेगा चौथा पॉइंट कि पढ़ना। पाँचवा पॉइंट गाइस ये है कि बहुत सारे बच्चों को होटल मैनेजमेंट करने के बाद इंटरेस्ट नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, तो वो छोड़ देते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है तो उनको पता चल जाता है एक्चुअल में होटल होता क्या है, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये इनके लिए फ़ायदा ही है। अगर आप बहुत सारे बच्चे अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिप्लोमा आपका 1 साल 6 महीने आपको पढ़ा है, 6 महीने बाद आपको अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा। अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको 4 साल डिग्री में पढ़ के जाते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आप डिप्लोमा में ये अच्छा है कि आप 6 महीने करने के बाद कि आप छोड़ सकते हैं, कोई भी दूसरा कोर्स चूज कर सकते हैं ये। और अभी डिप्लोमा के जॉब कैरियर का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है डिग्री के मुकाबले। आपको ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो कि आप मैनेजर नहीं बन सकते। आपके डिप्लोमा करने के बाद भी आप मैनेजर बन सकते हैं, आपकी नॉलेज आपकी स्किल पे सब डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा करेंगे तो मैनेजर नहीं बन सकते या डिग्री करने के बाद तुरंत मैनेजर बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। डिग्री करने के बाद भी आपको एंट्री पोजीशन से ही शुरू करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही। और ऐसा डिग्री डिप्लोमा के बाद भी आपको स्टार्टिंग एंट्री पोजीशन से ही करना पड़ेगा, शुरू से होटल मैनेजमेंट में लोअर पोजीशन से ही आपको करना पड़ेगा। तो ये था डिप्लोमा। अब डिग्री, डिग्री पे आते हैं। डिग्री पहले 3 साल की होती थी, जब मैंने किया 3 साल में मैं डिग्री कंप्लीट कर लिया था, अब 4 साल की हो गई है। तो आपको क्या 4 साल कॉलेज पढ़ना पड़ेगा, 4 साल में आपको 4 डिपार्टमेंटों के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ आपको हर सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, 2-2 आपको आपको फ्रेंच, अकाउंट और फाइनेंस, HR, ये सारे बहुत सारे आपको हर सेमेस्टर में चेंज होते रहते हैं 2-2 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने होते हैं। तो 4 साल आपको उधर पढ़ना है, 4 साल लगभग 1 साल की फीस में बोलूँ तो 1 लाख रुपये लग जाता। तो आपको 4 साल में कम से कम 5 से 6 लाख रुपये पे करना पड़ता है डिग्री के लिए। और उसके बाद गाइस आपका 4 साल चले गया एजुकेशन। आपको हाँ एजुकेशन आपको 12th पास ही होना पड़ेगा, 12th पास के बाद ही आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोर्स आपका 12th के बाद करना पड़ेगा मिनिमम 50। बहुत सारे कॉलेज हैं 50% आपके मार्क्स भी मांगते हैं, 50+ होंगे तभी आपको होटल मैनेजमेंट के लिए एडमिशन मिलेगा। और तो गाइस 4 साल कंप्लीट करने के बाद
डिग्री वालों के लिए एक फ़ायदा है, अगर आप एमटी या ओटी निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्ट 2 साल बाद मैनेजर बन सकते हैं। अगर आपने एमटी निकाल दी तो अगर ओटी निकाल दी हो ओटी निकाल दी तो आपको 2 साल बाद सुपरवाइज़र बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे 10,000 बच्चे उत्तराखंड से, मैं एक आइडिया बताऊं कि उत्तराखंड से या फिर किसी भी जगह से अगर 10,000 बच्चे पास आउट होते हैं तो उसमें से 10 बच्चे होते होंगे जो आईटी और ओटी क्लियर कर पाते हैं। नहीं तो आप डिप्लोमा या डिग्री जो भी करें इंट्री पोजीशन से ही आपको जॉब शुरू करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है गाइस कि आप 3 साल का डिग्री कर लिया तो आप मैनेजर बन जाएंगे और 1 साल का डिप्लोमा किया तो आप मैनेजर नहीं बन सकते। आप दोनों से ही मैनेजर बन सकते हैं, आपको नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है। तो गाइस